अगर आपकी भी नेपाल में टीम है और आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने नहीं आती है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक सिंपल तरीके से कैसे नेपाल के अंदर आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेरी नेपाल में कुछ टीम थी और मैं अपने फोन से, जो वेस्टिज का हमारा ऐप है, मैं उस ऐप से करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कोड नहीं ले रहा था वहां का। तो मुझे लगा यार ये ऐसे हो सकता है कि उसमें हर एक कंट्री दिखा रहा है, बट यस इसमें नेपाल नहीं दिखा रहा है। तो मुझे एक चीज समझ आई कि नेपाल में जो ज्वाइनिंग कराने का फॉर्म है वो डिफरेंट फॉर्म है, तो वो कैसे ज्वाइनिंग करनी है, तो मैं आपको अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो जैसा कि हम अपनी डिजिटल स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल में आप कैसे वेस्टिज की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो आपका ऐप होता है जो हम इंडिया में डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वहां से आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग नेपाल में नहीं लग सकती। तो सबसे पहले करना क्या है, आप आपके मोबाइल फोन या फिर आपका लैपटॉप उसे ओपन कर सकते हैं और वहां पे आप सबसे पहले गूगल को ओपन कर लीजिए। अब गूगल खोलने के बाद में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक कर लेंगे या उसे कॉपी कर लीजिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो लिंक मैंने अभी आपको दिया है, इसे कहीं नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं नीचे आपको दे दूंगा ये वाला लिंक। अब आपको मैं एक फॉर्म ओपन करके दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा सामने, ये QR कोड का आप फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल फोन से या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का। और ये जो QR कोड है आपको अपने फोन से स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो सीधा आप उस गूगल फॉर्म में चले जाएंगे या फिर जो आप ये लिंक मैंने आपको पहले भी दिया था पिछली स्लाइड पे, वो आप उस लिंक को कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कैसे आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल आपने ओपन कर लेना है। गूगल करने के ओपन करने के बाद में आपको वो जो लिंक मैंने आपको पीछे दिया था उसे आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो ये वाला सेकंड वाला लिंक आपको दिख रहा है weston.in, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऑनलाइन नेपाल डॉट weston.in लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेगी, रजिस्टर्ड, PIF अपलोड और KYC अपलोड। तो जब आप, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ओपन करते हैं तो ये वाला पेज खुलता है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है, रजिस्टर्ड वाला फर्स्ट वाला जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यहाँ पे नाम, ठीक है, सब कुछ कर देना है, अपना नाम भर सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे आप कंप्लीट भर सकते हैं। इसके बाद में ये सब मोबाइल नंबर वगैरह देना है नेपाल का, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पूछेगा, यहाँ से कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे जिसके नीचे आपको डालना है, ठीक है, तो आप उसकी आईडी डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आईडी डाली, वैलिड किया यहाँ से, अब इसका नाम आ गया यहाँ से मनीष बत्रा, राइट। तो अब जो भी डिटेल्स होगी वो मनीष बत्रा जी के नीचे चली जाएगी। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है और कोई भी कर सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और ये वीडियो अपने सभी टीम में पहुंचा दो, क्योंकि नेपाल में मैक्सिमम लोगों का बिजनेस है, उनको ज्वाइनिंग करने नहीं आती है। ये जो लिंक मैंने आपको बताया, QR कोड बताया है, ये सेव कर लो और अपनी टीम में ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।